गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रास, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली 3 o'clock पर हम लोग यहाँ पर आते हैं और आप सभी लोग का स्वागत है। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर मिलते हैं वो सारे के सारे बच्चा लोग एग्जाम्स, जहाँ पर जनरल स्टडीज आता है, जनरल स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, हम लोग वहाँ पर आते हैं। फटाफट जुड़ जाएँ आप सभी लोग, और जैसा कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, सभी लोग जुड़ जाइए। और मैंने अपने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आप लोग भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके। जी आ जाओ सभी लोग। जी द वॉर ऑफ जीएस बिगिंस। ओके बच्चा लोग, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके की चीजें हम लोग यहां पर लेकर के आए हैं और उन सारी चीजों को यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। और भी काफी कुछ रहेगा हमारे सेशन के अंदर, और काफी कुछ एक अच्छा सा अनाउंसमेंट भी रहेगा, और वो भी अपन लोग यहाँ पर करेंगे और चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। ओके प्यारे दोस्तों, ठीक है। ओके बच्चा लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सभी लोग जुड़ चुके हैं, फटाफट जितना भी शेयर हो सकता है उसको शेयर करिए। अंकुर कुमार जी जय हिंद डियर, और रोशनी मैम जुड़ चुकी हैं, महाकाल जी जुड़ चुके हैं, प्रणाम डियर। अंकुर सर बिल्कुल सही है, सैम वेरी गुड आफ्टरनून डियर, विकास जी जुड़ चुके हैं, और सुष्मिता मैडम जुड़ चुकी हैं, मोहित सर जुड़ चुके हैं, और हितेश जी जुड़ चुके हैं, सविता मैम जुड़ चुकी हैं, कविता बच्चे जुड़ चुके हैं, अभिषेक जी जुड़ चुके हैं, और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके सुपर स्टार जी भी जुड़ चुके हैं। सैम सर मोबाइल ख़राब हो गया है इसलिए इतने दिन तक नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून डियर, कोई बात नहीं, आप बाद में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड आफ्टरनून एज ऑफ एटीट्यूड्स एंड अनु आर्या जी। ओके नमस्ते बच्चे। सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? अब बिल्कुल होगा, ये एनटीपीसी रेलवे तरह खत्म हो जाए उसके बाद ग्रुप डी का भी होगा। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर बच्चा लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग आते हैं किसके अंदर प्रॉब्लम्स इस समय क्या है, जितने सर वहाँ पर लेकर के चलिए। देखिए बच्चा लोग, सभी लोग बड़ी गौर से समझिए, इश्यू ऑफ द डे जो कि हमारा काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है। अब चल क्या रहा है इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर और देश दुनिया के अंदर, देश देशांतर के अंदर, जो हमारे लिए आने वाले समय पर परेशानी का सबब बनेगा, हमारे एग्जाम्स में आएगा, तो इश्यू ऑफ द डे क्या है बच्चा लोग? इश्यू ऑफ द डे आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है और इसके अंदर एक खबर मैं लेकर के आया हूँ प्यारे दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई ऑन 55 कोलेजियम रिकमेंडेशंस फॉर जुडिशियल पोस्टिंग्स। अब एक बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों के, बिल्कुल आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ है ऐसा यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है गवर्नमेंट से कि आपने अभी तक इतनी चीजों का क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं किया। जो भी कुछ चीजें हैं मुझे लगता है कि लिस्ट है, वेटिंग में है, और उनको एक सही मुकाम पर पहुंचना चाहिए था लेकिन गवर्नमेंट ने पहुंचने नहीं दिया। अब ये थोड़ा सा गोल गोल लग रहा होगा, मैंने जानबूझ के इस चीज को थोड़ा सा गोल किया है, जरूरी है इसको गोल करना, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली है क्या बच्चा लोग, आपको समझना होगा इस समय प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझे, चीजों को अपने हिसाब से आप लोग एनालिसिस करें और समझे बच्चा लोग। प्यारे दोस्तों, हमारे यहां आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही, आपको पता है हमारे यहां का जुडिशरी सिस्टम अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट्स होते हैं, इस तरीके की हायरार्की बनती है। टॉप मोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट है, पता है आप सभी लोगों को, आर्टिकल 1, 2 का 4 है, और हाई कोर्ट के लिए 2, 4 का 4, 2 का 1 नहीं, ये हो जाएगा माय नेम इज लखन। देखो देसी तरीका मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का 1, 2 का 4 और हाई कोर्ट का 4, 2 का 1 ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ आर्टिकल 1 से लेकर के कितने 395 है। जब 395 है तो 4, 2 का 1 कैसे हो सकता है? जी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा रीजनिंग लगाइए, 1, 2, 4 कर दिया है, 4, 2, 1 हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4। लो याद हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम? सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल प्यारे दोस्तों 1, 2, 4 है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 2, 1, 4 है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चा लोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, मेरे शब्दों में गौर फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बच्चा लोग जो जजेस होते हैं, इन जजेस को, शब्दों में गौर फरमाइएगा आप सभी लोग, इन जजेस को अपॉइंट करने में बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक वर्ड यहां पर आता है कोलेजियम, जिसे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, मैं इस चीज को यहां पर मेंशन करता हूं, कोलेजियम, ये जो कोलेजियम नाम का वर्ड है ना बच्चा, बस यही सारे जो है फसाद की यहां पर क्या है, एक जड़ है। अब देखिए कहां पर है, किस तरीके से अपन लोग इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बस वही हमको लेकर के आना है बच्चा लोग। ये जो कोलेजियम नाम का वर्ड है, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम सभी लोग देखें, नोटिस करें, कोलेजियम होता क्या है, स्टार्टिंग में आपको पता है 2014 में
इलेक्शन हुआ, ठीक है, नई सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रधानमंत्री है जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ठीक है, कुछ चेंजेस आए। उससे पहले अगर देखा जाए तो इस कोलेजियम से ही व्यवस्था होती थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस का ट्रांसफर है, जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट है, कौन करती थी? ये कोलेजियम करती थी। अब ये कोलेजियम है क्या, ये आपके जहन में आ रहा होगा, जितेंद्र सर ये कोलेजियम क्या होता है? ठीक है सर, ये क्लास डेली होता है। हाँ डेली होता है राजन जी, ठीक है डेली होता है डियर, ठीक है। हाँ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को थोड़ा सा समझ लिया आप सभी लोग। कोलेजियम के अंदर बच्चा लोग क्या होता है, एक सबसे पहले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ में चार अदर जजेस, कुल मिला के पांच लोगों को बनता है कोलेजियम। अब साहब किसका नाम रिकमेंड करके आगे फॉरवर्ड करना है किसका नहीं करना है ये कोलेजियम करता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ये नए भावी प्रधानमंत्री आएंगे, आगे चल करके आ भी जाते हैं, जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, इन्होंने कहा कि साहब कोलेजियम वोलेजियम कुछ नहीं होता, हटाओ इन सबको, ये क्या मतलब स्यापा लगा के रखा हुआ है, हम एक अलग से एक नया स्यापा लेकर के आएंगे जिसका नाम है एनजेएसी। आप कहोगे एनजेएसी क्या है ना स्यापे, देखो है कि नहीं है। एनजेएसी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। मैं फिर से इसको बोलता हूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। एनजेएसी को बच्चा लाया इसलिए गया कि अब ये कोलेजियम बहुत पुराना हो गया, थोड़े से चेंजेस करिए, थोड़ी सी फेर बदल करिए। एनजेएसी कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री भी होगा, एनजेएसी कमेटी के अंदर अपोजिशन का लीडर भी होगा, हम सब लोग मिलकर के क्या करेंगे बच्चा लोग, हम सब लोग मिलकर के जस्टिफाई करेंगे कौन जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा। अब देखो अपराध हो रहा है, डेफिनेटली अपराध हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर, इन आर पॉलिटिकल सिस्टम वी हैव थ्री टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये शक्तियों का पृथक्कीकरण है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शक्तियों को तीन तरीके से पृथक्कीकरण किया जा सकता है। एक सबसे पहले क्या बच्चा, लेजिस्लेचर कानून को बनाना। दूसरे नंबर का एग्जीक्यूटिव जिसका नाम है क्या, कार्यपालिका। बात समझ रहे हैं, लेजिस्लेटिव विधायिका, जहां पर कानून बनते हैं। अब बन के तैयार हो गए, हवा में थोड़ी एग्जीक्यूट होंगे, उनके होने के लिए बच्चा लोग क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। अब ये दोनों के दोनों चैंबर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिए होती प्यारे दोस्तों जुडिशरी, जिसे अपन लोग बोलते हैं क्या, न्यायपालिका। अब एक बात आप मुझे बताइए, यहां पर से देखने में आपको क्या लग रहा है, ये बात तो कंफर्म है यार, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। क्यों यार, कैसे, लॉजिक लगाओ ना आप। लेजिस्लेचर में कौन है, मेन लोकसभा है, और एग्जीक्यूटिव में कौन है, मेन प्रधानमंत्री। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। भाई लोकसभा के अंदर वर्चस्व किसका है, प्रधानमंत्री एंड ऑल पार्टी का, लेकिन ये कैप्सूल थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इन दोनों में आपस में क्लैशिंग होती रहती है, लड़ते रहते हैं ये। इसीलिए डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल, डीपीएसपी पढ़ा होगा आप लोगों ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर आर्टिकल 15 में तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, फंडामेंटल राइट्स के पास में बच्चा लोग। इसी डीपीएसपी के पास में आर्टिकल 50 है जो कहता है सेपरेट सेपरेट, दोनों दोनों एक दूसरे की कार्यवाही में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देंगे, दोनों अलग तरीके से काम करेंगे, इसीलिए काम करते भी हैं। आपको पता होगा कभी भी किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का डिस्कशन कभी भी लोकसभा के अंदर नहीं हो सकता। वैसे लोकसभा देश की सबसे बड़ी चौपाल है, वहां पर छोटे से छोटे बड़े से बड़े मुद्दे का डिस्कशन होता है, लेकिन कभी भी, याद रखिएगा मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा, कभी भी उनका डिस्कशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्रवाई का डिस्कशन कभी भी लोकसभा के अंदर नहीं हो सकता। वैसे एक सुई से लेकर के जहाज तक का डिस्कशन होगा, लेकिन उनका नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं, जुडिशरी ने भी उनको छूट दे रखी है। आपको पता है सिंपल मामलों में, सिंपल मामलों में कभी भी आपने देखा होगा कार्रवाई से पहले और बाद में अगर देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब कोई देशद्रोह वाला जैसा जघन्यतम अपराध हो तब तो बात अलग की है, ठीक है बच्चा। तो याद रखिएगा दोनों सेपरेट रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे हैं, लड़ क्या रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। जैसे ये एनजेएसी आएगा, जैसे ये एनजेएसी आएगा, आप बताइए, आप खुद बताइए, सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल करेगा क्या, सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा क्या, सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या क्या, नो इट्स माय स्पेस, ये मेरा स्पेस है, तुम इसके अंदर दखलंदाजी ना करो तो ज्यादा अच्छा है। एनजेएसी को एकदम सिरे से नकार दिया, फेल, फ्रॉड, गो वेंट गॉन, दफा हो गई, खत्म, फिनिश, क्लियर हुआ बच्चा। प्रॉब्लम इस समय क्या है जितेंद्र सर, अब हम आते हैं न्यूज के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है भूमिका पूरी तरीके से तैयार हो गई है और आप लोग कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बच्चा लोग, प्रॉब्लम यह है कि करीब करीब 55 होता क्या है, ये कोलेजियम भेजते सरकार के पास में कि साहब ये नाम है, इनके ऊपर आप सिग्नेचर कर दिए, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। लेकिन इस समय 55 के आसपास जो केसेस हैं, जो मतलब केसेस इन द सेंस ऑफ जो सिलेक्शन के केसेस हैं, वो पड़े हुए पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से, क्या कर रहे हो तुम, इनको क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, इनको क्यों हरी झंडी नहीं मिल रही है, जब हमारे कोलेजियम ने इनको भेज दिया है, फिर आप इन्हें क्यों एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है, उन्हें क्यों फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, बस यही मुद्दा है, ठीक है। चलिए खैर, बहुत बढ़िया, मुद्दा वही है,
जैसे बेरोजगारी का है वैसे मुद्दा यहाँ पर भी है, समझ रहे हो। सीटें बहुत खाली हैं और हाई कोर्ट के अंदर जजेस की पोस्टिंग नहीं कर रही गवर्नमेंट, ना जाने क्यों नहीं कर रही है। और वैसे ही हमें लगता है युवाओं के साथ भी है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम तो लोग अपना हक छीन करके मानेंगे, और वो कैसे मानेंगे, सिलेक्शन ले करके मानेंगे। ठीक है, जबरदस्त, ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अपन लोग अब आते हैं। ओके बच्चा लोग, ठीक है। अदिति श्रीवास्तव, मुझे लगता है आप अभी लेट आए होंगे। बेटा आप इस वीडियो को पहले से देखो, थोड़ा सा प्रीवियस कर लो, उसके बाद आप इसे देखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 5051 स्टेट लेवल के काम को करता है, हाँ 51 में वो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है बच्चा। चलिए ठीक है, पंकज जी गुड आफ्टरनून टू ऑल, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपन लोग क्वेश्चन, और हाँ एक बात और है, एक बात और अनाउंसमेंट एक ये करनी थी, 31 मार्च को, आप सभी लोग जानते हो हमारे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है 31 मार्च। 31 मार्च को प्यारे दोस्तों अपन लोग क्या करने वाले, मैं एक अलग से एक स्पेशल लेक्चर लेके आने वाला हूँ, उसके अंदर सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, और उसका टाइटल होगा खत्म होगा फिजिक्स का फितूर। बात समझ में आई, खत्म होगा फिजिक्स का फितूर, कब, 31 मार्च को, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग उसके साथ जुड़ना ना भूलिएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, आज काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। वेयर इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड, देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है ये, स्टैटिक प्यारे दोस्तों, स्टैटिक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लिंगराज टेम्पल किधर है, फटाफट बताए इस क्वेश्चन का आंसर दे बच्चा लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। वेरी गुड आफ्टरनून ऋषभ, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का आंसर दे बच्चा लोग, सभी लोग फटाफट जल्दी से, मैं यहां पर मैसेज देख पा रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर दे सभी लोग फटाफट जल्दी से, लिंगराज टेंपल किधर है। बहुत अच्छे, लिंगराज टेंपल किधर है बताएं फटाफट जल्दी से, मदुरई के अंदर है सोचिए, त्रिंजतूर के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, या फिर उज्जैन के अंदर है, किधर होगा फटाफट जल्दी से, प्लीज टेल मी द आंसर, टाइम नहीं अपने पास बच्चा लोग, फटाफट बताएं। लिंगराज टेंपल लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है ये, बताएं फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम नहीं अपने पास, कहां पर है ये उड़ीसा भुवनेश्वर, बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का यहाँ पर करेक्ट आंसर सर भुवनेश्वर के अंदर है, और लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, बहुत पुराना है और स्टैटिक के अंदर बहुत आता है, ठीक है। देखिए कुछ जैसे एक बृहदेश्वर टेम्पल है, बहुत बार आता है, लिंगराज टेम्पल है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं जो आपको जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक है बच्चा लोग। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अब सुनिए मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, अष्टाध्यायी प्यारे दोस्तों इसके कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी हैं। अष्टाध्यायी प्यारे दोस्तों एक ऐसी बुक है जो संस्कृत के इतिहास में लिखी जाने वाली सबसे पहली ग्रामर की बुक है। संस्कृत के लिखी जाने वाली सबसे पहली ग्रामर की बुक, जो ग्रामेटिकल जो उसकी बुक है बच्चा लोग, वो कौन सी अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी को बुक को किसने लिखा है, फटाफट मुझे बताएं किसने लिखा है बच्चा लोग, किसने लिखा है फटाफट, क्या वो चरवांक है, क्या वो कौटिल्य है, क्या वो पाणिनि, क्या वो कांपिल्य है, कौन सा होगा आंसर अकॉर्डिंग टू यू, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। मैक्सिमम बच्चा यहां पर कह रहा है कि विकास कुमार जी कह रहे सर सी 100% लगा दीजिए, अच्छा ऐसा है, कुछ लोग कह रहे सर बी 100% लगा दीजिए। प्रणाम भाई, ठीक है राजन जी, ओके बच्चा, फर्स्ट संस्कृत ग्रामेटिकल बुक, बिल्कुल सही महाकाल बेटा, पाणिनि, बिल्कुल सही, याद रखिएगा पाणिनि ने सबसे पहली संस्कृत की, बहुत ही अच्छे रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान रहे बच्चा लोग, इन्होंने एक बुक लिखी है और जिसका नाम अष्टाध्यायी है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, अ हाइब्रिड कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का एक स्पेशल कंपोनेंट, एक स्पेशल सेगमेंट जिसे अपन लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर भी आ गया, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है इसकी हम लोग पीएचडी करेंगे, यहाँ पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बच्चा लोग, बताएं फटाफट प्लीज, गिव मी द आंसर, ओके, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है बताएं फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, और सुनो फटाफट, अब देखिए मैं बताता हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर प्यारे दोस्तों तीन तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके, देखो अलग तरीके क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, टेक्नोलॉजी के ऑन द, अगर हम प्यारे दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन द केस ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से, देखिए आप कंप्यूटर तीन तरीके के क्लासिफिकेशन है,
सबसे पहला क्लासिफिकेशन बच्चा लोग जो होता है, अपन लोग जिसको बोलते हैं क्या, एनालॉग, हमेशा याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एनालॉग, एनालॉग। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एक काम करो एनालॉग कंप्यूटर को मारो एक तरफ, हमें एक बात बताओ, एनालॉग ही बता दो बच्चा, एनालॉग आपने देखा होगा, आपने 10+2 के अंदर अगर पढ़ा होगा, एनालॉग सिग्नल बड़ा देखा है आपने, इस तरीके से सिग्नल आते हैं, इस तरीके से सिग्नल आते हैं, इस तरीके से, दिस वन, दिस वन, ये दिस वन, दिस वन, यही तो होता है एनालॉग। एनालॉग ये हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकली मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जहां पर मूवमेंट हो, जहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकली मूवमेंट हो। शब्दों को बड़े गौर से समझिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये, और बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये। जहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकली मूवमेंट हो बच्चा, बस वहीं पे होता है एनालॉग, बस काम खत्म। अब देखो, अब दिमाग अब चल रहा होगा आप लोगों का। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने एक चीज को नोटिस किया है, आपकी बाइक के अंदर क्या होता है बच्चा लोग, हमारी बाइक के अंदर बच्चा लोग क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या है, स्पीड को दिखाता है। हमारी बाइक अगर खड़ी है, अगर स्टैंडिंग में है, तो वो किस पर है, जीरो पे है, आपको पता है। जैसे हम चलाते 10, 20, 30, 80, 100, 120 बहुत ज्यादा हो गया, अब रहने दो इसको। ये मतलब चल क्या रहा है, क्या कर रहा है, अरे इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर यार, ये भी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्या कर क्या रहा है, ये कंप्यूट कर रहा है। जैसे ही हमारा हमारा बाइक का जो व्हीकल है घूमता है, आरपीएम घूमता, राउंड होता, रोटेट होता है बच्चा, उसको रिफ्लेक्ट करता है किसके अंदर, सामने अब स्क्रीन पर। ये किसका एग्जांपल है, एनालॉग का एग्जांपल है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली मूवमेंट हो रहा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तो कहता हूं, एकदम देसी एग्जांपल लो यार, कभी भी देखा होगा पापा घड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, हम घड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, जो सुई वाली, जो कांटे वाली जो घड़ी होती है बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग। देखा होगा आपने, एनालॉग वॉच लेकर के आए। अब समझ में आया, अब समझ में आया बच्चा लोग। तो कौन सा एक क्लासिफिकेशन हो गया आपका, हो गया एनालॉग कंप्यूटर। एक और कंप्यूटर होता है बच्चा लोग, जिसके बारे में अगर अपन लोग बात करें, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल, 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 डिजिटल कंप्यूटर्स बच्चा लोग, वो कंप्यूटर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर वो, देखो देसी लैंग्वेज समझो, जो बेसिकली अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें, जो डिजिट्स की फॉर्म में वर्क करते हैं, डिजिट्स की। आपने देखा होगा बड़ा भाई हमारे लिए क्या करके लेके आया, डिजिटल वॉच लेकर के आया, उसके अंदर 8 कैसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं, ऐसे ऐसे याद करो यार, ऐसे ही तो बजते हैं भाई, ऐसे ही बजते हैं, लो डिजिट्स की फॉर्म में। थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेके चलिए ना जितें सर, ऐसा नहीं, थोड़ा और स्टैंडर्ड। तो लो जो वो सारे कंप्यूटर जो 0 और 1 को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो बाइनरी लैंग्वेज को जो है एस्टिमेट करते हैं, वही होते हैं क्या, डिजिटल कंप्यूटर्स। समझ में आया, पहला वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकली मूवमेंट मतलब एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे आ गए डिजिटल। और बच्चा लोग एक याद रखिएगा, थर्ड कैटेगरी होती यही हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम यहाँ की भी चीजों को ले ले, यहाँ की भी वैसे हाइब्रिड है। हाइब्रिड वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर डिजिटल प्लस आपका एनालॉग दोनों को जब मिला दिया जाता है बच्चा लोग, तभी बनता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और समझो, समझो, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आप सब लोगों की बाइक, पल्सर DTSI 180cc, पल्सर DTSI 180cc, उसके अंदर क्या है आपने देखा होगा, आजकल जो स्पीडोमीटर आता है डिजिटल आता है, डिजिटल एकदम कलर्ड आता है, आपने देखा होगा LED लगी होती है, लाइट मैटिंग डायोड्स, उसके अंदर क्या होता है आपने देखा, 80, 90, 120, ये क्या डिजिटल चल रहा होता है, बल्कि बगल में एक हल्का सा इंडिकेटर दे रखा होता है, किसका, फ्यूल का, ये फ्यूल का, ये किसका एग्जांपल है, ये एनालॉग का बच्चा, और ये किसका हो गया, डिजिटल का, दोनों मिलाकर क्या हो गया, हाइब्रिड। याद रखिएगा इस बात को, तो अब समझ में आ गया हाइब्रिड किसका एग्जांपल है। अब बड़ी आराम से, अब आपको कोई जरूरत ही नहीं है, रिजेंबल्स डिजिटल, ना ना सर, एनालॉग, ना 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 सर, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, बिल्कुल हमें हमारा आंसर मिल चुका है, सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं अनिकेत, अनिकेत मंडल, कोई बात नहीं माय डियर, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट द ओरिजिन्स ऑफ द इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू, भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, क्या ऋग्वेदा है। देखो वेदों को संहिता कहा जाता है, इसीलिए मैं संहिता लेकर के आया हूं, क्या वो ऋग्वेद है, क्या वो यजुर्वेद है, क्या वो सामवेद है, क्या वो अथर्ववेद है। नाम से देखो क्या निकल करके आ रहा है, नाम से क्या निकल करके आ रहा है बच्चा, सामवेद, सामवेद, साम, साम, डांस एंड म्यूजिक, तो लग के आ रहा है ना, लग के आ रहा है ना। तो क्या होना चाहिए बच्चा लो, क्या लो होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए बच्चा। हाँ बिल्कुल सही, क्लियर होगा मोहम्मद आरिफ, बिल्कुल क्लियर होगा डियर, ठीक है। बट देखो कॉन्स्टेंट देखो भाई,
कांस्टेंट जो देखेगा उसके समझ में आएगा, और जो मस्ती करने के लिए आएगा कुछ देर के लिए उसके समझ में थोड़ी आएगा। और हाँ, शेयर कर दो यार प्यारे बच्चों, शेयर कर दो माय डियर भाई। देखो तो शेयर नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा भाई, देखो तो शेयर तो करना पड़ेगा ना यार। शेयर करो यार बच्चा, शेयर करो बच्चा लोग। देखो तो शेयर नहीं करोगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। फिर एक दो दिन के बाद देखो क्लास डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि होली आ गई है, ठीक है? तो फटाफट सभी लोग, हाँ बिल्कुल, सारे गामा पादा नहीं सा, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल साम, साम म्यूजिक लग रहा है सर जितेंद्र सर, सामवाद इज करेक्ट, बिल्कुल सामवेद, सामवेद जो क्या है बच्चा लोग, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, थ्री इज अ करेक्ट आंसर, सो डोंट बी कंफ्यूज बच्चा लोग। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कॉन्क्योर्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओहो, ये तो बड़ा अपराध हो रहा है, ये तो बड़ा अपराध हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अरे बिल्कुल अपराध क्यों हो रहा है, ये तो बहुत प्यारी बात है। इनमें से कौन से ऐसे राजवंश है प्यारे बच्चों जिन्होंने श्रीलंका को भी जीता है, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी विजय हासिल की है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, इंडोनेशिया तक हमारी धाक थी, हमारे यहाँ के राजा जो थे वो इंडोनेशिया तक उनका जो है परचम फहराया करता था। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है ये अगर आप लोगों में से किसी को अगर पता है तो आप लोग यहाँ पर लिख के मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन बड़ा प्यारा नाम है और दूर से पता चलेगा ओहो इसका मतलब इंडोनेशिया भी हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छा है। फटाफट बताओ, उद्गाता, उद्गात्री नहीं, उद्गाता, 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 ये भी अच्छी बात है। चलो इस बच्चे ने याद दिला दिया, उद्गाती नहीं, सामवेद को पढ़ने वाले के लिए कहा जाता है उद्गाता, मैं यहां पर कर देता हूं उद्गाता, ठीक है याद रखिएगा। इतने कर्मकांड हुआ करते थे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला पर्सन अलग है भाई साहब, यजुर्वेद को अलग, सामवेद को अलग और अथर्ववेद को अलग। चलिए खैर बहुत बढ़िया, तो बताइए फटाफट कौन है वो, क्या वो पांड्य है, क्या वो चालुक्य है, क्या वो चोल है, कौन है, या वो राष्ट्रकूट है? देखो राष्ट्रकूट तो एलिमिनेट कर दोगे आप बढ़िया आराम से, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तो त्रिकुटीय है, त्रिकुटीय जो आपके संघ हुआ करते थे, ये तो वो हो ही नहीं सकता जितेंद्र सर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चोल करेक्ट आंसर है, चोल याद रखिएगा, चोला, चोला। क्यों पता है आपको? हिंदुस्तान के अंदर जो, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पुराने जमाने से कही जाती है और आज भी कही जाती है, बेटा हिंदुस्तान पर वही राज करेगा जो हिंद महासागर पर करेगा। चोलों की नेवी, चोलों की नेवी जो हुआ करती थी प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड फेमस, हमेशा ध्यान रखिएगा, चोल बहुत जबरदस्त हुआ करते थे पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो। चोलों ने बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा श्रीलंका को भी, इंडोनेशिया को भी जो है फतेह हासिल की थी। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है एक बार बताइएगा, मजा आएगा, देखकर भी सुन के भी आपको लगेगा कि वाकई ये तो लगता है हिंदुस्तान से ही क्या है आपका इंफ्लुएंस है, ठीक है बहुत बढ़िया। ओके प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, चोल, हाँ चलिए चोल राजवंश, चोल किंगास। ओके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया सॉरी शेयर नहीं किया भाई आप लोगों ने यार, अरे मेरा बच्चा लोग शेयर कर दो भाई, हाँ शेयर कर दे आप सभी लोग, शेयर कर दे, शेयर कर दें एक बार जबरदस्त तरीके से। बड़े गौर समझिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग। द हरप्पाज, अगर हम बात करें हरप्पंस की, हरप्पंस की, देखिए हरप्पंस कौन होते हैं बच्चा लोग, बड़े गौर से समझिए आप। हरप्पंस की बात करें, हरप्पन तो हरप्पा के रहने वाले जो लोग हैं, देखिए हरप्पा भी कहते हैं आपका जो है, हरप्पन सबसे पहले 1921 में सबसे पहली साइट थी जिसको छोड़ा गया था, ठीक है, जिसको खोजा गया था, नहीं तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हरप्पन का मतलब क्या है? अब ये कहोगे सर हरप्पा को ही हरप्पा के नाम से पूरी डायनेस्टी को बोलना तो गलत है, फिर तो मोहन जोदारो नाराज हो जाएगा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमेशा समझिए सबसे पहले जिसको खोजा गया था बच्चा लोग वो कौन सा है, वो हरप्पा है, इसीलिए हरप्पन सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है प्यारे दोस्तों, हमेशा ही याद रखिएगा आप लोग, हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है ओके। तो हड़प्पन वॉर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस किसको? सील्स को किया था, बार्ले को किया था, कॉटन के किया था, या फिर ब्रॉन्ज इंप्लीमेंटेशन को किया था? फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी की। फटाफट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, आंसर एक बार सभी लोग शेयर कर दो यार जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब देखिए मेरी बात बड़ी गौर समझिए, हड़प्पा का जो समय हुआ करता था पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर बच्चा लोग देखा जाए तो कॉटन जो कपास है उसको अगर कोई लाने वाला अगर कोई है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो कौन है? हम है, कौन है? हम है,
ब्रोंज नहीं, ब्रोंज नहीं कहोगे, देखो एक बच्चे ने लिखा, विनीत ने लिखा और उसको डिलीट कर दिया, ब्रोंज नहीं हो सकता यार, कॉटन। इसीलिए हमको सिंडन, सिंडन कुछ जगह पर सिडॉन कहते हैं, कुछ जगह सिंडन कहते हैं। सिंडन सभ्यता जो यूनान के जो ग्रंथ है उनके अंदर नाम मिला है, हमको सिंडन कहा जाता था, हमारी सभ्यता को सिंडन कहा जाता था, क्योंकि हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, पूरी दुनिया को जो कॉटन देने में जो नाम आता है सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि किसका आता है, अपन लोगों का आता है, मतलब हम लोगों का आता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉटन इज अ करेक्ट आंसर। नाउ यू कैन सी दैट कॉटन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। पूरी दुनिया की तरफ सबसे अच्छी नस्ल के जो कपड़े होते थे, जो क्लॉथ्स होते थे, वो अपन लोग पहुंचाया करते थे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों लोग मुझे एक बात बताइए यार, शेयर कर दो यार, भाई देवी देवताओं यार, इन सी प्लांट्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू द डेप्थ ऑफ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बायो से आया है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, बायो एनवायरमेंट दोनों के दोनों आपस में इनका पैचअप रहता है, आपको पता ही है, बायो से क्वेश्चन आया है, मतलब समंदर, समंदर 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 की कितनी गहराई से अंदर किसी भी तरीके का कोई फ्लोरा, फ्लोरा फ्यूना की बात छोड़िए, खैर किसी भी तरीके की वनस्पति नहीं मिलती, क्योंकि जानवर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए पूरी तरीके से फ्लोरा फ्यूना गलत है, ठीक है। और बहुत बढ़िया, बड़े गौर से समझिए आप सभी लोग, कितनी गहराई के अंदर वनस्पति मिलना बंद हो जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, हम इंसान लोग, हमारे द्वारा बनी गई छोटी मोटी चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी 300 मीटर से हम नीचे नहीं जा सकते, हम ह्यूमन, ठीक, 400 मीटर से नीचे प्रकाश जाना मना कर देता, लाइट नहीं जा सकती 400 से मीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें वनस्पति की, तो बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, 200 मीटर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, 200 मीटर, 200 मीटर के बाद वनस्पति मिलना बंद हो जाती है, किसके अंदर, ओशियन के अंदर बच्चा लोग। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, सारागैसो सी इज सिचुएटेड इन द, सारागैसो होता क्या है, पहली बात तो ये समझिए, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और विवादास्पद चीज है, सारागैसो होता क्या है, फटाफट मुझे बताएं सारागैसो होता क्या है बच्चा लोग, देखो मेरी बात बड़े गौर से समझिए, अगर हम लोग बात करें अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बच्चा लोग इमेज लेके आओ, किसकी, वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की इमेज लेकर के आओ, पूरे वर्ल्ड का मैप लेके आओ, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरफ क्या है हमारा, नॉर्थ अमेरिका, हमें यह भी पता है जितेंद्र सर, इस तरफ हमारा क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर क्या है, इधर हम जानते हैं आपका जो है साउथ अफ्रीका, और इधर की तरफ है यूरोप, इसके बीच में ये आपका क्या है, बीच में इक्वेटर है आपका, इक्वेटर के बाद में बच्चा ये जो अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के अंदर ये जो हिस्सा है बच्चा लोग, बड़े गौर से समझिएगा, ये जो हिस्सा है ना, ये बड़ा ही शांत, बहुत ही काम है, इसके इस तरफ एक धारा बह रही है जिसे हम गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहते हैं, इस तरफ एक धारा बह रही है बच्चा जिसे हम कनारी करंट कहते हैं, जो कि आपकी कैसी है, कोल्ड करंट है, और ये गल्फ स्ट्रीम कैसी है, आपकी वार्म करंट है, गर्म करंट है, गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, लेकिन ये बीच का जो एरिया है बहुत ही शांत रहता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से रुका रहता है, और इतना रुका रहता है कि यहाँ पर एक अलग तरीके की घास, जिसका पुर्तगाली वर्ड है, जिसका हम कहते हैं सारगैसम, ठीक है, उस सरगैसम जैसे नाम की घास, बड़ी मोटी सी परत जम जाती है, और इस ओशियन को हम लोग डेड कहते हैं, अगर ये कहा जाए तो कहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक ओशियन के अंदर ये बच्चा, ठीक है, और एकदम शांत है, तो याद रखिएगा, अब फिलहाल तो आपसे टफ नहीं किया उसने, कल को अगर नॉर्थ साउथ दे दे तो बड़े आराम से आप कर ले जाओगे और कहोगे क्या कि सर नॉर्थ है, वैसे अटलांटिक ओशियन इज अ करेक्ट आंसर, अटलांटिक ओशियन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा। इसको ही डेविल, हाँ डेविल ही कहते हैं, देखो डेविल मतलब समझ रहे हो, अगर 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 सूरज, अगर सूरज का नाम आ गया, अगर इंपैक्ट तो सूरज और चंद्रमा का ही है ओवरऑल, आप अगर आप लोग जाने बच्चा लोग, एक बात याद रखिएगा, अगर समंदर बहुत तेजी से चिल्ला रहा है, अगर दहाड़ रहा है, तो वो खराब नहीं है, अच्छा है, मतलब वो कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचाएगा आपको, यहां पर आने के बाद जो जहाज वो फंस से जाते हैं, उनके अंदर कोई मोशन नहीं, उनके अंदर फ्यूल भी बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए दैट्स व्हाई, ठीक है बच्चा। चलिए खैर बहुत बढ़िया, नॉर्थ अटलांटिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर, फिर आ गया कंप्यूटर से धमाकेदार क्वेश्चन, द टू काइंड्स ऑफ द मेन मेमोरी आर, मतलब मुख्य स्मृतियां, स्मृति हिंदी में जाओ, देखो कंप्यूटर भाई हिंदी में मत पढ़ लेना वरना अपराध हो जाएगा बच्चा लोग, इस बात को भी याद रखिएगा। मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी वी हैव इन द केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कितने समय की, कितने तरीके की मेमोरीज को, स्मृतियों को हम लोग यूज करते हैं। योर ऑप्शन नंबर ए
प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एंड सीक्वेंशियल, ऑप्शन नंबर सी रॉम एंड रैम, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, फटाफट मुझे बताएं जल्दी से, फटाफट टाइम नहीं अपने पास। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से, जल्दी से मुझे बताएं। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चा यहां पर लगाएगा क्या, रैम और रोम, और यही जीवन का दर्द है, यही जीवन का दर्द है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको नहीं करना है चीजों को ना। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, साइंटिफिक अप्रोच बहुत ही सीक्वेंशियल होनी चाहिए, ये सीक्वेंशियल नहीं है रैम और रोम वाली, ये तो आपकी बेसिक नीड है। आपने घर पर देख लिया और लगा दिया सर एक रैम होती है और एक रोम होती है, सर रैम सर परमानेंट नहीं है सर, और रोम आपकी परमानेंट है सर, वोला वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से कॉन्सेप्ट सीख लिया और हो गया, गलत हो जाएगा बच्चा। कुछ लोग बच्चे डी भी लगा दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं सर डी है तो सारा करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझो, किसी दिन स्पेशल लेक्चर लेंगे मेमोरी के ऊपर, सारा स्यापा खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर समझो प्यारे दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है हमेशा ध्यान रखिएगा, दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, दो। एक होती है मेन मेमोरी, क्यों भूल जाते हो, मेन मेमोरी, और एक होती प्यारे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। बात समझ में आई? अब इस मेन मेमोरी के अंदर बच्चे देखो, मेन मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, इस डेफिनेशन को अभी एक मिनट बाद में दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी देखो इसका क्लासिफिकेशन में क्या करने जा रहा हूं। मेन मेमोरी के भी तीन पार्ट्स होते हैं बच्चा लोग। एक होता है हम जिसको बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं रैम। एक दूसरा होता है बच्चा लोग जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रोम। रैम रैम है या राम लिखा है, अरे रैम और राम की दोनों की लाइन एक ही है, दोनों की स्पेलिंग एक ही, लेकिन इसको रैम ही बोला जाता है, राम मत बोल देना। रोम ये इटली वाला रोम है, अरे नहीं यार ये मेमोरी है। तीसरा और मेरा बच्चा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैश। कुछ लोग इसे कैच बोलते हैं, कुछ लोग इसे कैश बोलते हैं, ये भी मेमोरी होती है। ये तीनों की तीनों मेमोरी बच्चा होती है मेन मेमोरी। बाकी दुनिया के जितने भी दर्द हैं, आपकी हार्ड डिस्क, आपके लेटेस्ट लैपटॉप में जो आप लोग यूज करते हैं जिसे बोलते हैं क्या, आप सभी लोग बोलते हैं SSD, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जितनी भी आपकी जितनी भी, जैसे आप वो CD यूज करते हो वो भी क्या है, वो भी तो मेमोरी है। तो इसको CD, DVD, HVD सब कुछ, आपकी पेन ड्राइव, जितनी भी दुनिया भर की जितनी भी मेमोरी है, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी। अब समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा। देखो कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल अब सही होने लगा है। मैंने क्या कहा, कंफ्यूज हो गए, दो में से एक जगह कंफ्यूज होना मेरे प्यारे दोस्तों, या तो एग्जाम में हो जाओ या फिर यहां पर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको मेन क्यों कहा गया है, विदाउट मेन मेमोरी वी कैन नॉट ऑपरेट आवर सिस्टम, बस खत्म, बिना इनके सिस्टम ऑपरेट ही नहीं हो सकता। सर बिल्कुल सही है, कंफर्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना हार्ड डिस्क के भी सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए हार्ड डिस्क को भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखा गया, लेकिन रैम को, कैश को और रोम को बेटा किसके अंदर रखा गया, मेन मेमोरी। एग्जामिनर देखो पूछ क्या रहा है, वरना मतलब ले जाएगा, एक एक नंबर आपके हाथ से फिसलता नजर आएगा। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, मेमोरी की दो, मेन मेमोरी के दो क्लासिफिकेशन बताइए। अब तो बड़ी आराम से क्या करोगे, रैम और रोम हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। मेन मेमोरी, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी मतलब जो मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं। अब आप बड़े आराम से रैम और रोम लगा सकते हो, याद रखिएगा। अगर यहां पर मेन मेमोरी ना पूछ के करे, केवल मेमोरी पूछा होता तब क्या लगाते, आपके दो होते, तब प्राइमरी सेकेंडरी कंफ्यूज होना चाहिए, नहीं होना, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आई है। अगर कभी भी बच्चा लोग अगर केवल मेमोरी पूछा तो दो लगा दोगे, कौन से, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर उसने पूछा है कि टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी मतलब मेन मेमोरी कितने दो प्रकार की होती, तब लगाइएगा रैम और रोम। क्लियर हुआ? हाँ, अब कंफर्म हो गया होगा, ठीक है बच्चा लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहां पर नाटो पे तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो भाई? हाँ, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके भी होते हैं ईपी रोम, ठीक है, डबल ईपी रोम, जिसे अपन लोग ई स्क्वायर पी रोम कहते हैं, उतना नहीं जाना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट, इनमें से कौन सी ऐसी जलधारा है जो गर्म है, गर्म महासागर। बच्चा लोग बताओ फटाफट, एक गर्म महासागर वर्तमान में कहां पर है, गर्म जलधारा, ओशियन करंट अगर हम बात करें, जलधारा, इसको जलधारा कह दो, गर्म जलधारा बच्चा लोग कहां पर बह रही है, फटाफट मुझे बताएं। ओयाशियो है,
कनारी है, लैब्राडोर है और गल्फ ऑफ स्टीन, सब कुछ अपने दिमाग के अंदर रखो। ओ याशियो, ओ माय गॉड, जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो क्या करते हैं, ओ माय गॉड तो कैसी है ये ठंडी जलधारा है। और जापान के पास में कनारी, कनारी बहुत ही जबरदस्त ठंडी है, इतनी ठंडी किसकी वजह से बच्चा लोग डेजर्ट मिलता है, कहां पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ये भी कैसी होगी ठंडी हो गई। लैब्राडोर द बे ऑफ डॉल्फिन से निकलती है, हमेशा ध्यान रखिएगा आपके आर्कटिक ओशियन के आसपास के एरिया में बच्चा निकलती है वहां से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। और सुनिए, इसी लैब्राडोर की ठंडी जलधारा में बहता हुआ था आइसबर्ग, जिसमें से बहुत बड़ा आइसबर्ग तैरता हुआ आ गया और जो टकरा गया था किससे बच्चा लोग, किससे, आप सभी लोग जानते हो किससे, टाइटेनिक से। उस आधी रात को इतना बड़ा भयंकर मंजर जो पूरी दुनिया में आज भी अगर आप लोग याद करते तो उसे सिहर उठते हैं, जैसा एज आई रिमेंबर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो किसने से डूबता हुआ आया था, हमेशा ध्यान रखिएगा इसी लैब्राडोर से आया था। तो जाहिर सी बात है कैसी ठंडी है, आंसर क्या होना चाहिए, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, इसी को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। अगर ये ना होती, अगर गल्फ ऑफ स्ट्रीम ना होती तो बच्चा लोग जितना भी यूरोप है आपका ठंड से जमा हुआ पूरा प्रदेश होता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ओके बच्चा लोग। स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट लिया था, एक लेक्चर लिया था, दमदार लेक्चर था वो, जिसने किया होगा उसे कभी भी ओशियन करंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे हम्बोल्ट की बात करो, चाहे ओयाशिया की बात करो, चाहे क्योरोशियो की बात करो, चाहे आप ब्राजीलियन करंट की बात करो, चाहे आप अगुलहास की बात करो, कोई भी बच्चा कभी भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है, ये गारंटी हमारी है। बहुत बढ़िया, ओके बच्चा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या टाइम हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम लोग शेयर वेयर कर दो यार, हम और पढ़ा देंगे, 10-5 मिनट और पढ़ा देंगे, लेकिन शेयर वेयर कर दिया करो, शेयर नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आता भाई, समझ, देखो टाइम, देखो पता नहीं चलता कब जूस चला जाता है यार, 45 मिनट तो बहुत कम है, नहीं चलिए खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर इज, अब इसमें कंफ्यूज होंगे आप जबरदस्त, दासू नहीं होंगे तो मैं करूंगा आपको कंफ्यूज, क्योंकि यहां से मैं 3-4 क्वेश्चन बनाने वाला हूं, देखो कैसे, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर इज, पहले तो आप बता दीजिए क्या होगा आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैंने अटेंड किया था, अच्छा ओके सैम, हाँ सभी लोग अटेंड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, अरे ये हमने अपनी तरफ से ही करा दिया, वन मोर की जरूरत ही नहीं है, अपनी तरफ से ही करा दिया, फटाफट करते रहिए आप, शेयर मेयर कर दिया करो यार थोड़े से, मतलब समझ रहे हो, हाँ चलिए खैर। बी इज द करेक्ट आंसर, देखो मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, महाकाल भी करे बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही, गुड, अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, गलत है सभी लोगों का, रॉन्ग हुआ, लेकिन यहां पर सही है, शैलेंद्र जी ने हाथ मार लिया इस बार, बहुत बढ़िया, नंबर वन पर उनका करेक्ट है, और यहां पर मैं बस मुझे उन्हीं का दिख रहा है, अभी ग्राउंड वाटर है महाकाल, नहीं मेरे लाल, अपडेट करो उसको। सैम बोल रहे हैं कि नहीं सर, इज करेक्ट, मतलब वन इज करेक्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंटली, अब देखो मेरे बच्चा, सभी लोग मेरी बात बड़ी गौर समझो, देखो इस चीज को थोड़ा सा घुमाते हैं अपन लोग, क्या करते हैं घुमाते हैं, अगर कुछ देर के लिए फ्रेश ना होता, मान लो कुछ देर के लिए फ्रेश ना होता, मेरी बात बड़े गौर समझिएगा, बड़े ही कॉन्स्टेंट तरीके समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है, आप जान जाते हैं अपने स्पार्टन्स की, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, बड़े गौर समझिएगा बच्चा, अगर लार्जेस्ट रिवर रिजर्व की बात की है, कभी भी देखो मैं क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, बड़े आराम से देखो, सभी लोग, फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश ना होकर के सबसे बड़ा अगर कहा जाता, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लो मिटा दिया, अगर कहा जाता कि सबसे लार्जेस्ट रिजर्व कौन सा है बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखिए आपको क्या लगाना चाहिए था, ओशियन, हम सभी लोग जानते बच्चा कौन है, ओशियन समंदर है सबसे बड़ा रिजर्व, छोटा मोटा नहीं, करीब 97.3% जो वाटर है ना बच्चा, पूरे अर्थ का जो वाटर है वो किसके पास है बच्चा लोग, ओशियन के अंदर, पहली बात क्लियर हुई, ठीक है, कंफर्म है जितेंद्र सर, ये कंफर्म है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा रिजर्व जो है हमारे पास किसके पास में है, आपका ओशियन के पास में है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है फ्रेश वाटर कहा ना बच्चा, अगर फ्रेश वाटर कहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, सबसे ज्यादा पानी ग्लेशियर की फॉर्म में जमा है, ये भी फ्रेश वाटर है बच्चा, इसे आप गलत नहीं कर सकते, ग्राउंड वाटर से भी ज्यादा है, कौन सा है, ग्लेशियर है, हमेशा ध्यान रखिएगा,
हमेशा याद रखिएगा, कौन सा है ग्लेशियर। और रुको रुको, एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, आएगा। अगर क्वेश्चन कभी आएगा, फ्रेश भी हटा दो, फ्रेश हटा दो कुछ देर के लिए, अगर आ जाए कभी सेकेंड 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 रिजर्व ऑफ वाटर, तब भी आ जाएगा ग्लेशियर। चाहे फ्रेश में अगर बात की, अब मेरी शब्दों पर गौर फरमाइएगा, अगर फ्रेश ऑप्शन दे रखा है तब तो पहला हो जाएगा ग्लेशियर, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है बच्चा ग्लेशियर। अगर अगर फ्रेश में दिया है तो नंबर वन हो जाएगा, और नहीं तो समंदर के बाद भी कौन सा है, ग्लेशियर है। चाहे अच्छे पानी की बात करो, चाहे फ्रेश की बात करो, चाहे ना करो, कंफर्म हुआ ठीक है। हाँ सुष्मिता मैडम बोल रही कि सर एकदम कंफ्यूज करके हटा, बिल्कुल यही तो बात है। स्नेहा मैडम कह रही यही तो बात है सर की, अरे बिल्कुल। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब तक कंफ्यूज नहीं होगे बच्चा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं, मैं बार बार कहता हूँ बड़े आराम से। देखो टीचर का काम पता है क्या होता है, टीचर का काम आपको पकड़ करके क्या करना है, स्विमिंग पूल के अंदर। आप एक चीज को नोटिस किया होगा, हमने किसी बच्चे को स्विमिंग पूल के अंदर किया, करने के बाद हम उसके सिर पर हाथ लगा के उसे क्या करते हैं, उसे नीचे की तरफ प्रेशर करेंगे। बच्चा क्या करेगा, सर आप हमारी जान जान नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेशर करने के बाद आप जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने हाथ पैर जो फड़फड़ाएंगे, बस वही फड़फड़ाहट मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक वो फड़फड़ाहट नहीं होगी, जब तक अपनी जान को बचाने के लिए वो आप अपने पूरे मतलब पूरा अपनी जी जान नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। बस वही फड़फड़ाहट देखना चाहता हूँ मैं, इस बात को याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कन्फर्म हुआ बच्चा, हाँ अब कन्फर्म हो गया ना, कन्फर्म हो गया। फिर से बताता हूँ, फिर से मैं पूछता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी लार्जेस्ट फ्रेश फ्रेश हटा दिया, फ्रेश फ्रेश हटा दो। अगर कभी भी फ्रेश फ्रेश नहीं दे रखा है, लार्जेस्ट रिजर्व की बात की, ओशियन हो जाएगा 97%। अगर फ्रेश फ्रेश कुछ नहीं दे रखा है, सेकंड लार्जेस्ट तो ग्लेशियर ही हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेश वाटर कहा, तब लार्जेस्ट भाई साहब क्या हो जाएगा, ग्लेशियर। आपको पता है, आपने मूवी देखी होगी, एक नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक मूवी देखी होगी, कुछ लोग होते हैं जिनका प्लेन क्रैश हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से, ओशियन में वो तैरते रहते हैं। किस तरीके से, आपको पता है कि वो ओशियन में समंदर में पानी तो बहुत है लेकिन पी नहीं सकते, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको पता है सोडियम क्लोराइड होता नहीं, समंदर में पानी बहुत है, पी नहीं सकते यार। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर कहीं से उसे पता है कि आइस के अगर क्रिस्टल मिल जाए, आइस के अगर क्रिस्टल मिल जाए, क्योंकि आपको पता है आइस जब फॉर्मेशन करती है तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, आपका जो नमक है वो पूरी तरीके से लगभग ना के बराबर होता है, फिर भी 10% के आसपास होता है उसके अंदर नमक, लेकिन फिर भी लगभग ना के बराबर। तो इस बात को याद रखिएगा, आइस की फॉर्मेशन आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे बच्चा, ठीक है। हाँ, विक्रम सिंह देखो अब आए, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हम जा रहे हैं और आप आ रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ग्लेशियर, ठीक है बच्चा, अब ये कंफर्म हो गया। तो अब अपन लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर, द रिंग ऑफ फायर इज फाउंड इन कॉमन लीन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूँ, मुझे पता आप लोग आंसर दे दोगे इसका। द रिंग ऑफ फायर आमतौर पर पाया जाता है, किधर पाया जाता है जितेंद्र सर, किधर पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, या आर्कटिक ओशियन। सर आर्कटिक ओशियन में तो हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो आप, कैसे हो सकता है, इंडियन ओशियन बिल्कुल नहीं। अगर इंडियन ओशियन में होता तो शायद हमको भी इसकी सुगबुगाहट पता चलती, बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। कहां पर होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, ये होता है पैसिफिक ओशियन के अंदर, जहां पर कॉन्टिन्यूअसली क्या होता रहता है, लगातार वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं, लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं बच्चा लोग। तो पैसिफिक ओशियन इज अ करेक्ट आंसर, वन इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। माइक्रो प्रोसेसर्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बताए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए बड़े गौर समझिएगा। देखिए आपको पता है कंप्यूटर के अंदर जनरेशन है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बता दूंगा। फर्स्ट जनरेशन जब बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, बड़े बड़े बच्चा लोग, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू किया, किसका बच्चा लोग, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, मतलब अचानक साइज को रिड्यूस कर दिया गया। थर्ड जनरेशन में बच्चा लोग हमने क्या किया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, किसको, इंटीग्रेटेड सर्किट को। क्लास की टाइमिंग क्या है सर, प्लीज टेल मी। बच्चे 3 बजे करेक्ट, 3 o'clock पर जितेंद्र सर आते हैं दंदराने लगते हैं, और बेटा 3:45 कभी कभी मूड में आ जाते हैं तो 4 बज जाते हैं, लेकिन पार्टी चलती रहती है, ठीक है। और बिल्कुल सही है सैम, थैंक यू सो मच सबको बताने के लिए। अब समझ गए हो, मतलब मैं एक एक वर्ड लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी,
इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बच्चा ये फोर्थ जो जनरेशन है इसी को म्यूपी मतलब माइक्रो प्रोसेसर, हमेशा याद रखिएगा। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, फोर्थ वाले हैं। इससे आगे आने वाली जो फिफ्थ जनरेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे अपन लोग बोलते हैं एआई, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन मेड एबिलिटी विच इज यूज टू टेक डिसीजन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रहने दो यार, अब तो 51 भी हो गए, अब तो दो मोर टू मोर क्वेश्चन हो गए, नहीं अब चलते हैं यार। ठीक है, हाँ प्रणाम भाई, काफ़ी लेट हो गए बच्चा, काफ़ी लेट हो गए। ठीक है, मैथ्स की क्लास की टाइमिंग क्या है सर? अभिषेक, अभिषेक शर्मा जी 1 बजे आते हैं, अभिषेक गिरी सर दनदनाते हुए, यार टेंशन काहे को लेते हो, 1 बजे आया करो, हर क्वेश्चन का फितूर वो दूर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, 31 की मार्च को मैं लेके आ रहा हूँ फिजिक्स का फितूर, खत्म होगा फिजिक्स का फितूर, खत्म होगा फिजिक्स का फितूर, नॉट अदर देन फिजिक्स, नॉट अदर देन फिजिक्स, फिजिक्स के भौतिकी के अलावा कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर नहीं होगा बच्चा लोग, फिजिक्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे सब कुछ यार, तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स, तुम्हारा लाइट, तुम्हारा मोशन, तुम्हारा ग्रेविटी, हर चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर हम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने कहा था आप सभी लोगों से, डोंट फियर, जीतू सर इज हियर। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन और स्टार्ट करा दें। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, मैं एक बार देख लूँ क्या कह रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चा, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, अब ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं आप, मुझे कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल बताने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। थर्टी फर्स्ट की टाइमिंग सेम है, सेम है उन्नति बेटा, सेम है, सेम मतलब यही यही शो यही है, इसी शो में लेकर के आएंगे, इसी शो में लेके आएंगे। अब धीरे धीरे सेगमेंट को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, अब इसको और इंप्रूव करेंगे अपन लोग। ठीक है, यही सेम है, यही ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग दे ही पा रहे हो, बिल्कुल दे पा रहे हो, सर वैक्यूम ट्यूब, सर वैक्यूम ट्यूब, ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन का है सर, ये सेकेंड जनरेशन का है, और ये थर्ड का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, इस बार सिलेक्शन लोगे, ठीक है, लेने वाले सिलेक्शन लेंगे, और नहीं लेने वाले तो वो तो ताते फिर वही बात, समझ लो सारे अगर अधिकारी बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, थोड़ा सा मतलब जनता होना भी जरूरी है ना भाई, हर चीज़ की बैलेंसिंग अप्रोच अपनानी जरूरी है बच्चा। ठीक है, हाँ ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, तो मिलते हैं सभी से, अब होली की तो मुबारकबाद कल देंगे, ठीक है ना, कल कल है अभी लेक्चर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चा लोग, खुश रहो, मस्त रहो, दमदार तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, और मिलिए आप सभी लोग, और हम चलते हैं फिर, ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों के, बाय, टेक केयर, ओके बच्चा।